धक्केशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चलेगी। उद्देश्य ये है कि पीछे अरनियाला का कोई व्यक्ति जो था वो हाईकोर्ट में गया हुआ था पानी की निकासी को लेकर के। माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया पीडब्ल्यूडी विभाग को कि वो उस नाले को अरनियाला नाले को कोटला नाले में मिलाए और जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि ये कोटला नाले को लाल सिंह खाड में मिलाए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने तो अपना कार्य कर दिया लेकिन जल शक्ति विभाग ने अपना कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से सारा पानी जो था वो लोगों के घरों में भी घुसा और लोगों की सारी फसल जो है वो तबाह हो गई है। तो आज हम मिलने आए हैं, अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। यही है कि जो पानी है, जो कोटला का पानी है, 20 साल पहले भी वो अरनियाला में डालना शुरू किया था, तब मैं प्रधान थी और मैंने इसका विरोध किया और वो पानी वहाँ हमने नहीं लिया। 20 साल बाद आज वो जो है पता नहीं कहाँ का दबाव था, क्या था, किसी ने पटीशन डाली और माननीय सेशन जज ने वहाँ मौका देखा और उसके हिसाब से जल्द ही एक ही तरीक में फैसला हो गया कि जो ड्रेन है वे दो तरह से ड्रेन बनेगी। एक टेम्परेरी ड्रेन बननी है जो जिसमें आम पानी जाएगा, जो बहाव का पानी है ज़्यादा वाला वो जो एक मेन ड्रेन बननी है वो 15 मार्च तक बननी थी। वो क्यों नहीं बनी, हमारा यही एक प्रशासन से ये मांग है कि जो माननीय कोर्ट का फैसला था उसको लागू क्यों नहीं किया गया। यदि जो हमें आश्वासन नहीं देते हैं तो हम फिर दोबारा हाई कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि गरीब लोग हैं, थोड़ी थोड़ी जगह है, वो लोग सब्जियां उगाते हैं, वहां जाके जो प्रशासन देखेगा तो वहां जाके देखो कि लोगों की जो फसलें हैं सारी बर्बाद हो चुकी हैं, इसलिए उसका जिम्मेवार कौन है। बस इसलिए हम प्रशासन से मिलने आए हैं। अभी ऊना शहर के लिए विभाग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ड्रेनेज का एग्जीक्यूट करने जा रहा है, जिसकी अभी सर्वे इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा हुआ है। ये काम उसी का एक हिस्सा बनेगा और इसको भी हमारे ध्यान में है और कर रहे हैं इसको। या तो रखे अभिमान, या तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।